हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और सबके जीवन में खुशियाँ डे बाई डे बढ़ती ही जा रही होंगी, मेरा ये मानना है। अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो गाइज मेरा ये मानना है कि पिगमेंटेशन को ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। सिर्फ आप उसी रास्ते पर अगर चलेंगे तो पिगमेंटेशन ठीक हो सकती है। और ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं ये नहीं कहती भाई, देखो सबकी अलग अलग सोच होती है, पर मेरा यही मानना है कि डाइट के अलावा ये ठीक हो ही नहीं सकती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप लोग ऑलरेडी जिनको इतने इतने सालों से पिगमेंटेशन है, बहुत कुछ वो ट्राई कर चुके होंगे, सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया होगा, पर आप देख रहे होंगे सब कुछ ट्राई करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, ये बढ़ता ही जा रहा होगा। तो मेरे मानना है कि एक ही सॉल्यूशन है जिससे आप इसको ठीक कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, दी देसी घी लगा रहे हैं, बहुत बहुत महीने हो गए देसी घी लगाते हुए, सलाइवा लगा रहे हैं। गाइस सलाइवा क्या होता है? जो मॉर्निंग की लार आती है, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, जो मॉर्निंग के टाइम की जो हमारी लार आती है ना, वो अच्छा मानते हैं फेस के लिए, आप लगाते हैं। या कुछ लोग कहते हैं किसी की आँख में जैसे दाने वाने नहीं आते, वो तो उसमें कहते हैं टोटका टाइप से बोलते हैं कि कुछ हो जाता है तो वो लगा लो ठीक हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो ये कमेंट आया हुआ था अभी मेरी कल या परसों की वीडियो में कि दी मैं देसी घी लगा रही हूँ, सलाइवा लगा रही हूँ। और ये सलाइवा का मैंने वीडियो काफ़ी टाइम पहले का, आप मेरी वीडियो पर देखेंगे तो मैंने ये भी शेयर किया हुआ है, बहुत टाइम पहले किया है इसका। तो लेकिन मेरा ये मानना है गाइस, ये इससे भी नहीं जाता है, ये आपको डाइट ही फॉलो करनी पड़ती है। डाइट के लिए मैं किस लिए बोलती हूँ, क्योंकि डाइट ही एक ऐसा सोल्यूशन इससे ठीक हो सकता है। जो मैं आपको देसी घी बोलती हूँ, चलो आप सलाइवा लगा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पर ये क्या है, ये आपको 100% ठीक नहीं करेगा। अगर मैं देसी घी क्यों बोलती हूँ, जैसे बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना। देसी घी, जैसे कि अब मैंने आपको बोला कि कोई भी केमिकल फेस पे अप्लाई नहीं करना है। अब आप कैसे फेस वॉश यूज़ करते हैं रेगुलर में, क्रीम्स यूज़ करते हैं, डे क्रीम होती है, नाइट क्रीम होती हैं, हम पार्टी में जाते हैं, हम लोग अलग तरह के फाउंडेशंस लगाते हैं, मतलब बहुत कुछ हम लोग अपने फेस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अब हम लोग सब कुछ बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो फेस पे कुछ तो आप लगाओगे। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ऐसी होती है ना, जब पिगमेंटेशन है, आपका फेस काला हो गया, दाग धब्बे पड़ गए, पिंपल्स आ गए हैं, तो उसमें क्या होता है, जो आपकी फेस जो होता है ना, जिनका स्पेशल पिगमेंटेशन के लिए और काले धब्बों के लिए, या फेस से ब्लैक कुछ हो गया आपके, तो पिगमेंटेशन के लिए मैं इससे बोलती हूँ कि अपनी स्किन को नरिशमेंट रखने के लिए, तो हम क्या लगाएंगे उसके लिए, तो मैं इसलिए आपको बोलती हूँ कि आप क्या लगाओ उसके, देसी घी लगाओ। देसी घी एक नेचुरल चीज़ होगी जो आपकी स्किन को नरिशमेंट करेगी। देसी घी इसका क्योर नहीं है कि आप सोचो सिर्फ देसी घी लगा के आप 100% अपनी पिगमेंटेशन गायब हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, चाहे आप 2 साल भी लगा लो। पिगमेंटेशन के लिए आपको डाइट ही फॉलो करनी पड़ेगी। डाइट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ये बहुत कमेंट मैं आजकल देखी, क्योंकि मैंने जो देसी घी का वीडियो शेयर किया था उसमें के बाद कई लोगों का कमेंट खाली यही आ रहा है कि देसी घी लगा रहे हैं, देसी घी लगा रहे हैं, पर देसी घी इसका 100% सॉल्यूशन नहीं है। मैंने ओल्ड वीडियो से प्रॉपर डाइट फॉलो करी है, डे वन से लेकर भी करी हुई है, तो आप वहाँ जाके विजिट कीजिए, पूरा डाइट बताया हुआ है, मैंने डाइट प्लान दिया हुआ है, डे वन डे टू मैंने इवन दिखाया भी हुआ है। मैं सुबह योगा करती हूँ, सुबह एक ग्लास पानी पीती हूँ, योगा करती हूँ, फिर मैं नारियल पानी पी रही हूँ, फिर मैं ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैंने 1-2 ऑल आपको दिखाया भी। आप वहाँ पर जाके विजिट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ लोग फेस पैक के बारे में पूछ रहे हैं, फेस पैक का भी मैंने बताया हुआ है, उसमें मैंने कुछ पर्टिकुलर फेस पैक, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा आप ये भी लगा लो ये भी लगा लो, मैं वो बताती हूँ। मेरी वीडियोस पे आपको सिर्फ वही चीज़ मिलेगी जो चीज़ मैं करती हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक खाने का वीडियो शेयर किया था जिसमें हम लोग बाहर गए हुए थे, तो मैंने वो शेयर किया था, तो गाइस मैंने शॉर्ट बना के डाल दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब सब चीज़ें मैं ही खाती हूँ, सब लोग फैमिली में खाते हैं। जैसे अभी मैंने नूडल बनाए तो घर में बाकी सब तो खाते ही है ना, तो मैं थोड़े से ले लेती हूँ, क्योंकि चीट मील भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कभी कभार, पर अगर आप अभी आपको बिल्कुल भी आराम नहीं है तो आप इस इग्नोर करो, पर जब आपका ठीक हो जाएगा तो आप बीच बीच में जैसे थोड़ा ठीक होने लगेगा तो आप 1-2 दिन ले सकते हो। तो अभी मुझे पूछा दीदी ये तो बनाए खाना, हाँ तो मैं बनाती हूँ तो मैं वीडियो शूट कर देती हूँ, भले मैं खाऊं चाहे ना खाऊं उस चीज़ को, इसलिए मैं वो शॉर्ट्स बनाती हूँ, कुछ लोगों का मैसेज उसमें भी आ रहा था, ठीक है। तो गाइस कहना ये है कि देसी घी सिर्फ इससे बताती हूँ क्योंकि ड्राइनेस पिगमेंटेशन के लिए स्किन को नरिशमेंट रखना ज़रूरी है, ताकि आपकी स्किन में नरिशमेंट लगे। अब एक कमेंट आया हुआ था कि दी फेस वॉश कौन सा यूज़ करें, अच्छा आप ये बताओ, मैं आपको बोलती हूँ देसी घी लगाओ जो आपको नेचुरल ग्लो करेगा, सुबह आप उसको फेस वॉश यूज़ कर लोगे, वो क्लीन हो जाएगा, फिर आपके जो रात भर जो उसने वर्क किया होगा, आपकी स्किन को नरिशमेंट दिया होगा, आपकी स्किन पे कुछ अच्छे चीज़ें की होंगी, वो तो सब जीरो हो जाएंगी जब आप सुबह फेस वॉश कर दोगे। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि अभी मैं आप कल मेरी वीडियो में आपको मिलेगा मॉर्निंग में जब देसी घी लगाते हैं तो आपको मॉर्निंग में फेस कैसे वॉश करना है,
मैं आपको लाइव डेमो दूंगी, मैं अपना फेस पे क्या कैसे सुबह जो उठती हूँ ना, तो मैं सुबह अपने फेस पे किस चीज़ से मैं साफ करती हूँ। गाइस फेस वॉश से स्किन सच में बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, जो आपकी स्किन की जो अंदर की जो नरिशमेंट है ना, जो ग्लोइंगनेस है, वो ख़त्म होती है। तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने तो इतने फेस वॉश यूज़ किए, मतलब मुझे पर्सनली, क्योंकि मेरी स्किन है ऑयली स्किन वाले करते हैं तो उनको तो थोड़ा ऑयल का इफेक्ट पड़ता है, पर मैं जो आपको कल बताने वाली हूँ उससे आपको पता लगेगा कि उसको यूज़ करके आपकी स्किन में ड्राइनेस भी नहीं आएगी और ऑयली अगर स्किन वाले आपके फ़ायदा करेगा तो हर स्किन वाले इसको यूज़ करेंगे। तो सुबह को आपको इसी को करना है जो मैं बता रही हूँ आपको, और डाइट डाइट से बढ़कर कुछ नहीं है। आप कुछ भी ट्रीटमेंट, और जो लोग भी पिगमेंटेशन है, मैं मान ही नहीं सकती उन्होंने कुछ भी ट्राई ना करो, सब कुछ आप ट्राई भी कर चुके होंगे, हर कोई ट्राई करता है यार, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, आई नो दैट, पर आपको डाइट प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेगी। डाइट लीजिए, खुश रहना, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो भी आपको टाइम लंबा लगेगा, क्योंकि कई क्या होता है जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो पूरी बॉडी इफेक्ट करती है, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस का असर आता है, आपके पेट पे खराब होना शुरू हो जाता है, गैसेस बनती है, खाना डाइजेस्ट, खाना तो आप खा रहे हैं डाइजेस्ट वो हो नहीं रहा है, आप खाए खूब अच्छा, आप कह रहे हैं मैं ये भी खा रहा हूँ मैं, पर वो डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए, वो जूसेस बनने चाहिए आपके हैप्पीनेस के लिए। तो गाइज आपको करना पड़ेगा कुछ योगा के लिए मैसेज आ रहे थे कि दी कुछ योगा बताओ, मैं योगा भी आप लोगों से लाइव शेयर करूंगी। मैं अभी कुछ टाइम में मेरे पास सोनी करके हैं, उनका भी कमेंट आ रखा था कि दी आप पहले वाली वीडियोस कुछ शेयर करो, जैसे आप डाइट प्लान करते थे, मैं वो भी करूंगी। पर अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं गाइज, आप मेरी ओल्ड वीडियो पर जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा, डे वाइज भी बताया, पूरी डाइट बताइए। तो सिर्फ देसी घी के भरोसे नहीं बैठना है, डाइट के बिना नहीं जा सकती है। डाइट बहुत सिंपल है, ऐसी डाइट है जो घर में आप 3 टाइम खाना खाते हो, वो खाना कंटिन्यू है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस ऐड करना है उसमें, दालें ऐड करना है, सब्जी ऐड करना है, सलाद ऐड करना है, जो भी है मैंने सिर्फ ऐड कराया है। छोड़ना क्या है, सिर्फ मैंने 2-4 चीज़ें बताई, जैसे कि आपको ऑयली, अब चाय को लेके आता है गाइस, देखो चाय ऐसा है कुछ लोग नहीं छोड़ पा रहे, तो आप लो, मैं तो मना नहीं करती, लो आप, बट ये कि देखो जो कोई 4-4, 5-5 बार पीते हैं तो वो नुकसान, अगर आप 1 से 2 बार लेते हो, सुबह ले लेते हो ब्रेकफास्ट के टाइम एक, शाम को, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो और छोड़ सकते हो, तो वेल एंड गुड, पर ऐसा कुछ नहीं है कि 100% रूल है, बाकी डाइट फॉलो कर रहे हो तो चाय चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है खाने को लेके था, डाइट को लेके था, अभी मौसम चेंज है, मैंने वो भी बताया आपको, तो अगर किसी को ऐसे इनडाइजेशन का हो रहा हो या किसी को मतलब लग रहा हो बहुत हैवीनेस हो रही है पेट में, तो आप थोड़ा चेंज करें डाइट में, क्योंकि मौसम ही ऐसा है, मौसम ही ऐसा है, थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे लग रहा हो, तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी हर किसी की बॉडी अलग होती है, आपको जो फील हो रहा है आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब मेरे को एक कमेंट था कि दी कर्ड की जगह चाय ले सकते हो, तो नहीं डियर, कर्ड और चाय का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, कर्ड के अंदर एक प्रोबायोटिक्स की तरह काम करती है कर्ड, उसके अंदर इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेट को, डाइजेशन को बढ़ाती हैं, प्रोबायोटिक्स, सिर्फ दही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको प्रोबायोटिक मिलता है, प्रोबायोटिक ऐसे तरह के वो होते हैं जीवाणु विषाणु जो आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बीमारियों को ख़त्म करते हैं, आपका डाइजेशन बढ़ाते हैं। तो दही को तो मैं इसलिए बोलती हूँ खाओ, मौसम है, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है दही से तो आप स्टॉप कर सकते हो, पर आफ्टर सम टाइम 1-2 महीने के बाद जब मौसम अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली फिर से आप स्टार्ट करो। दही बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है स्किन के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी, आप डेली दही का सेवन कर सकते हो। मैंने उन लोगों को बोला था जिनको भाई कर्ड से ठंड हो जाती है, कोल्ड हो जाता है ना, कुछ लोगों को सूट नहीं करती है थोड़ी ठंडी, क्योंकि वो ठंडी मानी जाती है, पेट को भी ठंडक देती है, क्यों कहते हैं गर्मियों में छाछ पियो जो वो दही खाओ, है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। तो गाइस छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको बताती रहती हूँ डेली वीडियोज़ में, जो कमेंट आते हैं मुझे लगता है लेना चाहिए मैं वो लेती हूँ, मुझे लगता है ये सिमिलर कमेंट है मैं छोड़ देती हूँ कुछ, पर जो मुझे लगता है कि डिफरेंट है, नया है, सबके लिए अच्छा होगा, तो आप लोग, मैं ज़रूर लेती हूँ उस कमेंट को। तो देसी घी लगाना बहुत अच्छा है, पर अगर केमिकल यूज़ करोगे तो उसका जो इफेक्ट है वो ज़ीरो होने वाला है, तो इसलिए बोलती हूँ रात को देसी घी लगाओ, सुबह आप जो मैं बताऊंगी कल को आपको वो उसको फॉलो करो। लाइव में डेमो देती हूँ आपको मैं क्या लगाती हूँ, बस वो सिंपल सी चीज़ लगा लेना, आपका फेस क्लीन भी हो जाएगा, आपके स्किन में स्मूथनेस भी आएगी, जितना एक्स्ट्रा ऑयल था वो भी हट जाएगा, जितना भी घी का इफेक्ट होगा ओरिजिनल इफेक्ट बना रहेगा, पर जो आपको चिपचिपापन है वो खत्म हो जाएगा। तो जो मैं कल बताने वाली हूँ उसको फॉलो करो, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी कॉस्मेटिक की। और डाइट अगर ले रहे हो तो गाइज, अगर रिजल्ट सच में देखना चाहते हो, ठीक होना चाहते हो, तो जब तक डाइट ले रहे हो तो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें मत लगाओ बेकार की, जो केमिकल्स हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि आपको रिजल्ट पता लगे। मैं तो क्लियर बोलती हूँ, रिजल्ट तो देखो आपको मिल भी रहा है या नहीं, तो उसको देखो आप, तो रिजल्ट देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। वो अब आप केमिकल भी यूज़ करते रहोगे, फेस भी वॉश कर रहे हो, साबुन भी यूज़ कर रहे हो, तो आपको ग्लो ही नहीं आ रहा होगा। अब मैं आपको डाइट बता, आप डाइट ले रहे हो,
ये जो साबुन होते हैं आप अगर आप फेस पे लगाते हो ना, वो इतने हार्ड होते हैं, आपके ग्लो खत्म, तो नेचुरल ग्लो ही नहीं आएगा, तो फायदा नहीं है ना उस चीज का कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना अच्छा खा रहे हैं, इसके बाद जो नेचुरल ग्लो आना होता है उसको आप खत्म कर देते हैं साबुन लगा के या कुछ। तो इसलिए बोल रही हूँ, जो बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए अच्छे से, कुछ टाइम कंट्रोल कर लीजिए। मुझे पता है इतने सालों की हैबिट नहीं छूटती है, रोज फेस से धो लेना साबुनों से, फेस वॉश से, आई नो दैट, पर कुछ दिन अगर कंट्रोल करेंगे तो पूरा रिजल्ट आपको अच्छे से मिलेगा, आपको भी पता लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सच में इफेक्टिव है। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरी वीडियो के साथ ऐसे ही रोज एक नई जानकारी के साथ, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं शेयर करूंगी, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, रिजल्ट्स आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।